वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या शर्मा व्लॉग्स। तो ना हमारे घर के साथ ही घर में एक फंक्शन है, तो जिसको पंजाबी में बोलते हैं जागो। बेसिकली क्या होता है मैं बताती हूँ। ऐसे ना मतलब सर पे मटका लेके उस पे दिए जला के ऐसे राउंड लगाते हैं और लोगों को उठाते हैं कि जागो, हमारे घर में शादी है, लाइक दिस। तो इसको इसलिए बोलते हैं जागो। और मैं रेडी होती हूँ, सिंपल सा रेडी होना है, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। सो मैं रेडी होके आपको मिलती हूँ और दिखाती हूँ क्या करते हैं हम। मैं हो चुकी हूँ रेडी, ये रहा मेरा आउटफिट और हम चलते हैं। मुझे आवाज़ें आनी शुरू हो गई है, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। मेरा सिंपल सा मेकअप था ये, सो लेट्स गो। हेलो गाइस, सो कितना गंदा बोला मैंने, हेलो गाइस। हेलो गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ वापस। और एक बात बताऊँ, एक बैड न्यूज़ है कि जो मेरा ट्राइपॉड है ना, इसको जो घुमाने वाली रोड सी होती है ना, ये टूट गई मेरे से। मेरे घर वाले ऐसे काम देखेंगे ना तो गुस्सा ही बोलते हैं। मुझे लगता है कि मैंने टूटे हाथों से काम किया। मैंने उसको ऐसे घुमाया और ये हाथ में ही आ गया, हदी हो गई है मेरी। और मैं अभी जा रही हूँ सलून बाल बनवाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो रखी है। और अगर मैंने अभी वॉश की है तो ये सूखने में भी टाइम लगेगा। और वैसे मैं क्यों जा रही हूँ, बिकॉज़ कि मैंने शादी में जाना है। शादी में, तो शादी में जाने के लिए ना मेरे को बाल अच्छे चाहिए, कपड़े जैसे मर्जी चल जाएंगे। सो मैं जा रही हूँ से बाल बनवाने, हेयर स्टाइल बनवाने। सो मैंने पहना है ये अर्बेनिक की हुडी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अरे सलाह ले लो, अर्बेनिक के कपड़े लेने से अच्छा ना बंदा सरोजनी के कपड़े ले ले, इतने घटिया कपड़े हैं तो मैं क्या ही बताएं, वर्स्ट क्वालिटी है। यह हुडी मैंने पिछले साल ली थी, अब जाके पहन रही हूँ, क्योंकि मैंने इसका एक पेयर पहना था और उसमें सारे में रुए आगे। एक वो होते हैं जो ऐसे करके निकल जाते, एक वो होते हैं जिनको खींचना उसके पीछे से उसके जैसे स्पाइडर का जाला होता है ना, वो लगा होता है, तो इसमें से वो लगते हैं। कुछ नहीं कर सकते इनके कपड़े पहन के तुम, काम मतलब वर्स्ट क्वालिटी है। सो अभी हम चलते हैं लंच करते हैं, फिर हम लंच नहीं करेंगे, गालियाँ पड़ेंगी नहीं तो। तब हम लंच करते हैं और फिर चलते हैं हम सलून। सो लेट्स गो। हेयर स्टाइल मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, मैं ये भी बता दूँ। ओके, सो मैं गई थी सलून, भैया ने पहले मेरा हेड वॉश किया अच्छे से, उसके बाद इसको ब्लो ड्राई किया और स्ट्रेट कर दिया। ब्लो ड्राई से स्ट्रेट किया, स्पेशली स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया। उसके बाद भैया, हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक के दो साइड ब्रेड करके, जो कि हमको इतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मेरे इसमें पता नहीं क्यों बीच में से आइंस्टाइन जैसे बाल खड़े हो गए थे और ये बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहा था। सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास ये, जो कि था साइड में ब्रेड, जो कि मैंने फाइनल किया था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरी इसमें ना फ्लिक्स की लेंथ देखना, और भैया ने ऐसे पूछ के चोरी से मेरी ये फ्लिक्स तोड़ दी, मतलब भैया ने परमिशन ली थी और बाद में हम इतना हंसे थे, ये भैया ने तोड़ के नीचे फेंक दी। मेरे को दिखाई भी नहीं कितनी लेंथ तोड़ी, क्योंकि वो लंबी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो भैया ने मतलब तोड़ दी। और मुझे ना ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सिंपल था और बहुत ज़्यादा प्रिटी था। और यहाँ भैया ना मेरी फ्लिक्स मतलब आगे वाली कर्ल कर रहे थे, और जब ये कर रहे थे, पहले स्ट्रेट करी उसके बाद कर्ल करी, जब कर्ल करी ना ये ऐसे आई जैसे जलेबी नहीं आती, और इसको देख के मुझे इतनी हंसी आई। भैया कहते बाद में करते हैं इसको स्ट्रेट, बाकी पहले बाकी सारे बॉल कर ले, ये देखना। और मुझे लगा मैं ऐसे करके जाऊँगी, भैया कहते नहीं इसको ठीक करेंगे। तो उसके बाद फिर मेरे बाकी जब बाल कर्ल हुए तो लास्ट में भैया ने इसको सीधा करके कर्ल कर दिया। काफ़ी प्यारी लुक थी मुझे, मेरे मतलब बालों की लगी। बाद में भैया ने इसको साइड में टक कर दिया था। अब मेरी फाइनल लुक देख, ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था, सिंपल सा हेयर स्टाइल मेरे को। इसके बाद मेरे को अब जाना था, मतलब मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मैं 2 मिनट बैठ के वहाँ इसको निहारती रही थी, पर मुझे ये था ये फ्लिक्स खुल जाएंगे, बट भैया ने साइड में टक कर दी। रेडी, मेकअप अभी नहीं किया है, बस लिपस्टिक लगी थी मेरी, गई थी वो भी रील शूट करनी थी, उसके लिए मेकअप अभी भाभी मतलब दीदी आके करेगी, आईज भी बस। फेस पे मैंने कुछ भी फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया, चश्मे मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मैं रील्स बना रही थी, थोड़ा पिम्पल आ गया देखना, गंदा खा था क्योंकि हमने कुछ। और ये मेरी ड्रेस है, पीछे इग्नोर करना मैस, ये मेरी ड्रेस है, ये मेरा सिंपल सा हेयर स्टाइल है। ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, कि मैंने खुद डिज़ाइन करवाई है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऐसा पहना था सिंपल सोवर सा, सो ये मैंने खुद कस्टमाइज करवाई है, कपड़ा लेके वेलवेट का।
और ये चुन्नी मैंने लाजपत नगर से, उस दिन ब्लॉग डाला था मैंने, उसमें बताया था कि मैं लाजपत नगर गई तो वहाँ से मैंने ये चुन्नी बाय करी थी। सो ये मैंने कलर कॉन्ट्रास्ट बना के पूरी ड्रेस तैयार कर ली। इसको एज अ मैं गाउन भी पहन सकती हूँ, मतलब एज अ वेस्टर्न वेयर, और चुन्नी ले लो तो ये इंडियन वेयर अनारकली में आ गया। सो मैंने कुछ इसका ऐसा डिज़ाइन करवाया है, और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लुक लग रही है मेरी। और इयररिंग्स मैंने गोल्डन लिए हैं जो कि मेरी चुन्नी के साथ मैच कर रहे हैं। और नीचे के लिए आई एम वेरी कन्फ्यूज, क्योंकि मेरे पास ये बेली भी है जो मैंने अभी रिसेंटली ली थी, और मेरे पास एक ये पंजाबी जुत्ती भी है। रुको मैं दिखाती हूँ, वेट एक सेकेंड, मेरे को दोनों ही एक एक पैरों में पहन के ना दिखाती हूँ। मुझे जुत्ती इस ड्रेस के साथ समझ नहीं आई क्योंकि बहुत पैरों में लग रही है फिर ड्रेस। देखो एक हमारे बैठ तो साइड हो, एक देखो ये जुत्ती, क्योंकि इसमें वाइब्रेंट कलर है सारे, ये बिल्कुल सिंपल है। और ये मुझे थोड़ा सा समझ आया क्योंकि इसमें थोड़ी ऊंची हाइट भी लग रही है, तो मैंने ये पहन लिया। और अभी दीदी आए ऑफिस से तो मैं मेकअप करवाती हूँ और फिर आपको मिलते हैं शादी में। भाभी मतलब मेरी दीदी ये करने लगी है मेरा मेकअप। यस, इसकी बीवी है मेरी दीदी है, मतलब इसकी बीवी है मेरी भाभी है, पर मैं भाभी कभी बोलती नहीं। तो हमारे पास बहुत सारा साज श्रृंगार का सामान है जो बस आँखों में लगेगा। पैसे भी देती है मेकअप करवाने के, घर का माल है, क्यों दे हम, क्यों पैसे खर्चे। हाँ इसने मेरे को जूते नहीं दिलवाए जो मैं, ये आई न्यूज लाया कि सैटरडे संडे को फ्री नहीं होता, मैं क्या करूँ मेरा कॉलेज होता है ये फ्री नहीं होता, इसकी बातें नहीं सुननी, इग्नोर करनी है, लाइक कमेंट शेयर करना चैनल को, बस या बाय बाय ओके। अब जाके शुरू करिए इसने, फ्रेंड जी मेरा बड़ा भाई शूट कर रहा है, इसने अब जाके 15 मिनट बाद शुरू किया व्लॉग। लेंस लगा रखे नहीं, बाद में लगाएगी, लगाने ही नहीं है तो वहाँ देखेगी कैसे, है ही नहीं, मैं चश्मा देखूँ, चश्मे लेंस नहीं नंबर वाले ऐस करके देखूंगी। गाइस बोलना मैंडेटरी होता है ना, गाइस यस गाइस, इस सारा आ रहा है मेरी बीवी का। ये सामान है सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, जोर से बोलो लोग सुनाई नहीं देता, यहाँ से लेके यहाँ तक सब लगेगा इसको, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, इसमें मेरी फोटो आ रही है। देखो फ्रेंड्स मेरे बाल भी गायब हो रहे हैं शादी के बाद, सबको हो जाते हैं, ये भी लगेगा इसको, और तेज बोलूं नहीं नहीं बस बस, ये जो है ना ये बड़ा सही, ये बहुत सही आइटम है, ये है ना, ये पुचको बोलता है इसको, मैं ब्यूटी ब्लेंडर होता है, मुझे पता है तू किसको बोल रहा होगा, अरे मुंह पे मार, मेरी शक्ल ना भी गंदी आनी हो फिर भी आए ये, गाइस इनको अब व्लॉग नहीं बनाना आता, मैंने ये टिश्यू पेपर इसलिए रखे क्योंकि मेरे आंखने पे वो ना जाए, इसके पसना निकल जाए ना वहां दालों में, नहीं मतलब ये मैं बोल नहीं सकती गाइस व्लॉग बन रहा है, वरना ही मेरी बहुत बेइज्जती करती है। ये देखो अभी ये डार्क हो रहा है, इसको ऐसे स्क्रीन के साथ ऐसे मिला देगी, रंग रूप ही बदल देगी दीवार का, नहीं सिर्फ आईज पे ही करेंगी, नहीं नहीं ये देखना अभी ये रूप देखो दीवार का, और 15 मिनट बाद देखना, हाँ 15 मिनट बाद आयो बंद करते चल इसको। सो गाइस ये रहा मेरा आइस का मेकअप जो कि क्या है भाभी ने, मैंने अभी ये ऊपर क्या हुडी सी पहनी है, जाते टाइम वहाँ पर वेन्यू में उतार दूंगी, ये मैंने पिन लगाई है तो ये पहन के जाएगा ऑब्वियसली ब्रो, अरे जा मैं लेके जा रही जूते दिला, तो यार वो भी चुप रहा, मैं जूते जब तक तू दिलाएगी तब तक तेरे हर व्लॉग में बोलूंगा फ्रेंड्स मेरे को जूते नहीं दिलाया, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, लिप्स पे बस लिपस्टिक लगाई है एंड दैट्स इट, इसको खोल देंगे और बाकी आपको वहां चल के दिखा दिया, सी यू एंड मेन्यू। गाइस पीछे चल रहे थे गाने, सो मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, बस ये दो चार लोग जितने आपको हेलो करते दिखाई देंगे ना, बस मैं इन्हीं को जानती थी, इसके अलावा मैं किसी को जान ही नहीं रही थी, पीछे अंकल आंटी मतलब जान ही रही थी, मतलब मेरे नोन में नहीं थे। और मेरे को सबका शूट करने के बाद याद आया कि भाई मैंने अपना तो शूट किया ही नहीं, मैंने सबको दिखा दिया पूरी शादी में, मैंने दिखाया ही नहीं अपने आप को, अभी कैमरा मैन भी इसी प्लेट में था, नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं सच्ची। ओके गाइस तो हम रात को घर आ चुके थे, मतलब तो खाना वाना खाया और हम घर आ गए, और फिर मैं सो गई थी घोड़े बेच के, तो उसके बाद अब मैं उठी हूँ, मतलब उठे हुए तो बहुत टाइम हो गया है, बस अब मैं लगी हूँ ब्लॉग को अपलोड करने। सो इस ब्लॉग को लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक और चीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताना मेरी ड्रेस कैसी लग रही थी जो मैंने खुद बनवाई थी दिमाग लगवा के। सो या दैट्स इट फॉर दिस, सो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।